वो देखो वहाँ से निकलेगा चांद, पर अभी तक दिख तो नहीं रहा है। और वैसे वहाँ से लाइट आ रही है कुछ, पर वो लगता नहीं है चांद वाली है, मतलब चांद की लाइट है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हो रहा है टाइम सुबह के 10:30, एंड अभी पापा वगैरह सब जा चुके हैं ऑफिस। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि आज मम्मा का व्रत है, तो बस अभी व्रत की सब तैयारी वैयारी कर रहे हैं। मतलब तो तैयारी क्या, वो तो वैसे तो रात को होगी पूजा, और अभी मतलब मम्मा वाले नहा लिया, उसके बाद पूजा की और मैंने भी नहा लिया। यहाँ पर देखो ये गन्ना ला के रखा है यहाँ पर, क्योंकि इसी से पूजा होती है, गन्ना और साथ में मूली। और मतलब यहाँ पे होती है, वहाँ पे भी शायद होती है, ऐसे मुझे पता नहीं है। मतलब आपके जहाँ जहाँ से आप देख रहे हो वहाँ वहाँ होती है कि नहीं वो नहीं पता, हमारे यहाँ होती है। ये गन्ना ला के रखे है और मूलियाँ ला के रखी है, बाकी जो पूजा होगी वो तो मम्मा बता देंगे कुछ कैसे करते हैं क्या होता है। तो मैं यहाँ पर बर्तन धो रहे हैं रोज़ की तरह, जो रोज़ के काम होते हैं। और आज जो व्रत है ना मम्मा का, उसमें ना मम्मा खाना खा सकते हैं ना पानी पी सकते हैं, जैसे करवा चौथ पे होता है ना, सेम टू सेम वैसा ही है ना। और वैसे ही व्रत होता है जैसे हमारे लिए, मतलब बच्चों के लिए है ना, ये बच्चों के लिए व्रत होता है, मतलब हमारे लिए रखा है व्रत। और हम यहाँ पे ठूस रहे हैं, वो वहाँ पे व्रत व्रत कर रहे हैं, ना कुछ खाना ना पीना। और अभी हम यहाँ पर मूवी देख रहे हैं, मूवी कौन सी है, केदारनाथ सुशांत सिंह राजपूत की। अब टीवी पे तो अपने मन से लगती है, जो भी लगनी होगी चैनल पे, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमने तो पहले भी देखी है ये काफ़ी बार। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ला के रखी है मूलियाँ, बाहर गन्ने पड़े हैं, वो तो अंदर आ नहीं सकते, तो ये अंदर मतलब दो दो गन्ने दो मूली, दो गन्ने दो मूली बस। हाँ, ये व्रत है ना, रात को पूरा तब बना था जब चाँद निकलता, और पहले इतना ज़्यादा बादल थे, मतलब एकदम घने बादल और धुंध पड़ी हुई थी, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि निकलेगा भी चाँद। मामा बोलते आज नहीं निकलेगा चाँद, पर फाइनल देखो धूप आ गई है, अब शायद निकल जाए, अब निकल सकता है क्योंकि धूप आ गई और बादल भी जा रहे हैं। तो गाइस, मैंने खाना खा लिया है, और खाने में बना था परौंठी और साथ में चाय, सिंपल परौंठी ऐसे, तो बस वही खाया है। और अब पेट तो भर चुका है, बाकी अब मम्मा है ना थोड़ा अपना काम वगैरह करेंगे जो शाम के लिए ज़रूरी है, वो अभी दिखाता हूँ मैं आपको, जो जैसे जैसे करेंगे मैं आपको तब दिखाता रहूँगा। अभी देखो मम्मा यहाँ पर ये भून रहे हैं, ये वो तिल है ना, पहले इसको थोड़ी देर धूप में रखा और अब इसको भून रहे हैं, उसके बाद इसे क्या करना है, जो ये है ये पका के थोड़ा भून के हाँ फिर कूट लेंगे। क्या करना है, एक कच्चे कूटते हैं ना जो पूजा करते अच्छा, हैं अच्छा हाँ, वो कूटना है इसको फिर अच्छे से, जो पूजा करेंगे उसको कच्चे रखेंगे, कच्चे कूटेंगे। अच्छा अच्छा, जिन तिलों की पूजा करनी है ना उनको कच्चा ही रखना है, और मतलब कच्चा ही कूटना है, और ये जो है इसको कूटना है, इसको भून के ये खाने वाले हैं, मतलब ये एक तरह से प्रसाद बनेगा है ना, एक तरह से प्रसाद बनेगा इसका, वो आपको दिखाऊंगा जब बन जाएगा ना अच्छे से। जैसा कि आज व्रत है तो तिल वगैरह तो सब काम हो गया, बाकी अभी हमें ना ये चाहिए थे, ये पत्ते इसके, मतलब ये कुछ पूजा वगैरह में काम आते हैं, मुझे नहीं चाहिए, इसको चाहिए, अभी ये तोड़ के लाया वहाँ से, तो मेरे लिए क्यों चाहिए, इसकी मम्मा ने मंगवाया है ना, तो वही अब तोड़ रहा था। और हम नहीं यूज़ कर रहे, ये यूज़ कर रहे हैं, इसको भी नहीं पता कहाँ यूज़ कर रहे हैं, बस तोड़ के लेके जाया घर पे। अभी हम कौन से गाने सॉन्ग सुन रहे हैं, पुराने टाइप के, भाई कॉपीराइट आ जाएगा, ज़्यादा ही मत कर। तो कर इसको, अरे बोलता टायर टेड है, अभी तो मैं क्या करूँ, जैसे पार्क ही है वैसे रहेगा, सीधा कर इसको, ले तू धक्का मार के कर दे। अभी मम्मा यहाँ पर देखो ये बनाया है इन्होंने, अभी भी मतलब कर रहे हैं, वो गुड़ गुड़ होता है ना गुड़, उसको मिक्स कर रहे हैं बीच में, ये इसमें तिल है, गुड़ है, और क्या है, मूंगफली के दाने, मूंगफली के दाने, और बस बस वो डालना था ना, वो जैसे सौंगी वगैरह वो भी डलती है, जो मर्जी डालो, तो डाला क्यों नहीं, वो डालो गरी डालो घिस के। और एक एक तरफ ये है, ये इससे पूजा करनी है, और ये है, ये पूजा करनी है, वो भुने हुए हैं। अच्छा वो भुने हैं क्या, ये है भुने हुए और इससे पूजा करनी है, और वो क्या, वो प्रसाद, वो ऐसे ये भी खाना प्रसाद है, ये भी हमने खाना है, वो भी हमने खाना वो है, खराब नहीं लगता है ना। भाई मम्मा पूजा कैसे करनी है वो तो बता दो। अभी चंद्रमा चढ़ेगा रात को, फिर इसकी पूजा करनी है गन्ने मूली से, मुझे ऐसी होती है, मैं आपको दिखाऊंगा। और
व्रत तो हमारे लिए है। ये बेसन, हाँ लग तो बेसन जैसा ही रहा है। अभी इसको अच्छे से वो मिक्स करना पड़ेगा, है ना। ये वाइट वाले ज़्यादा। और वो दूसरे हैं, वो ब्लैक वाले हैं, ब्लैक भी हैं बीच में। ठीक है, देखो तो अभी मम्मा ने मेरे को बोला है जा देख क्या चांद निकला कि नहीं, क्योंकि चांद निकलेगा तभी पूजा होगी। तो जल्दी से देख के आते हैं। यहाँ पे वैसे अंधेरा है, मेरा चेहरा तो आपको नहीं दिखेगा, पर हमें चांद देखना है ना, अपना चेहरा नहीं देखना है। अरे भाई वो देखो वहाँ से निकलेगा चांद, पर अभी तक दिख तो नहीं रहा है। और वैसे वहाँ से लाइट आ रही है कुछ, पर वो लगता नहीं है चांद वाली है, मतलब चांद की लाइट है। यार चांद तो वैसे दिख नहीं रहा है, और वैसे बादल बादल वाला मौसम है, बादल है मतलब पूरे ऊपर, तो अभी तक तो नहीं दिखा। वैसे अभी टाइम पता कितना हो चुका है, 8:00 कितना मुझे खुद नहीं पता है, 8:56 हो रहे हैं। तो अभी भी नहीं निकला, मुझे लगता है 10 बजे तक निकलेगा, या फिर उससे भी लेट, या फिर निकलेगा ही नहीं। नहीं निकलना तो चाहिए, निकल जाता है, वैसे दर्शन दे ही देते हैं। तो अब उसके बाद फिर देखते हैं जो भी करेंगे। बाकी अभी तो हम अपना सीरियल वगैरह देख रहे हैं बैठ के, सभी सब बैठ के देख रहे हैं, तो सीरियल देखते हैं। थोड़ी देर में मैं वापस देखने जाऊंगा, निकल जाए तो अच्छा है। हम मैंने कब से वेट कर रहे थे चांद कब निकला कब निकलेगा, और वेट करते करते ना यहाँ पर 10:00 देखो 10:13 हो गए, काफ़ी टाइम हो गया, एंड फाइनली चांद निकल गया। मतलब निकला कब का था, एकदम ऊपर आ गया, पर बादल की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था, फाइनली दिखाई दिया है। अब जाके करते हैं भाई पूजा जो भी करनी है। और ये देखो मम्मा आ गए यहाँ पर थाली लेके, पूजा स्टार्ट। तो गाइस अब मम्मा आ चुके हैं यहाँ पर मंदिर में, और ये देखो गन्ना भी यहाँ पे ला के रख दी है, मूली भी ला के रख दी है, और है ना मैं यहाँ पे फ्लैश चलाई हुई है मोबाइल की, क्योंकि ऊपर बल्ब चल नहीं रहा, पता नहीं क्यों खराब हो गया, क्या पता आज ही होना था इसको, है। अब ये देखो यहाँ पर कर रहे हैं जो भी करते हैं पूजा। मम्मा इसको बल्ब को हाजिक रहा होना था जब ये पूजा होनी थी। अभी है ना मम्मा यहाँ पर वो जो तिल वगैरह से किया था ना बीच में, जो भी मतलब सामान डाला था, उससे अब बना रहे हैं पिन्नियाँ, फिर वो उसकी पिन्नियाँ खाएंगे हम, बहुत टेस्टी होती है। और पिन्नियाँ खाएंगे ना आप तीनों के लिए बनेगी? हाँ मतलब वही, जैसे हम तीन है ना, तीन भाई, तो हम तीनों के लिए बनी, और ये तीनों हम खाएंगे एक एक, बाकी ये तो चलो ये अब कोई भी खा सकता है, पर वो हमारे लिए बनेगी, क्योंकि व्रत भी हमारा ही है ना, हमारे लिए रखा है। तो गाइस अब हमने खाना खा लिया है, सब कर लिया, हमने खाना खा लिया, पूजा भी हो गई थी मम्मा की अच्छे से, और मम्मा भी अंदर में से बैठ गए, फ्री हो गए, क्योंकि चांद कब निकल रहा था कब निकल रहा था। मम्मा बीच में थोड़ा सा ऐसे नींद भी आ रही थी, पर चलो अब हो गई अच्छे से पूजा। एंड सुबह से देखो कि ना खाना खाया ना पानी पिया है, तो फिर भी इतनी देर जागना उसके बाद भी, तो बस अब पूजा हो गई एंड अब हमने खाना खा लिया। मम्मा ने तो खाना नहीं खाया अभी भी, अभी सिर्फ ना गजरेला मंगवाया था हमने, तो वो ही खा रहे हैं। ये देखो मैं भी खा रहा हूँ, और मम्मा ने मतलब गजरेला खाया, और पूजा सुबह होगी उसके बाद ही शायद खाना खाएंगे, पता नहीं, मुझे पता नहीं है। वैसे गजरेला तो खा लिया, ये तो चलो दूसरे में आता है, और बाकी अब मैंने साथ में चाय बनाई है, तो बस अब पहले चाय पीऊँगी, गजरेला खाऊँ, दोनों का टेस्ट नहीं आएगा, पहले मैं गजरेला खाऊंगा बाद में जाके चाय पीऊँगा। तो बस फिर अब हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया तो इस व्लॉग को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।